हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। सभी लोगों तक साउंड पहुंच पा रहा होगा। तो देखिए, हम लोग अभी हर एक ब्रांच का सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का आप लोग एग्जाम दे चुके हैं। अब बारी आती है थर्ड सेमेस्टर का। तो थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट करने से पहले थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो बिना सिलेबस का आगे कुछ होगा नहीं, इसीलिए सिलेबस सबसे पहले, युद्ध लड़ने से पहले युद्ध लड़ने का रणनीति बनाना पड़ता है। तो ये वही है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी बनाना होगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होने वाली है। सो उसके बारे में पूरा फुल डिटेल से हम लोग एनालिसिस इसमें करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं ये जो SBT बिहार जो थर्ड सेमेस्टर है, SBT बिहार के थ्रू जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट लोग हैं, और वे स्टूडेंट लोग जिनका ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस डिटेल से देखते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को क्या क्या चीजें पढ़नी है। एक एक करके एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, आपको ओवरव्यू मिल जाएगी, ठीक है? पूरा आइडिया लग जाएगा, बेसिक आइडिया कि होने वाली है क्या क्या इसमें हम लोगों को। क्योंकि पहले तो आपको बेसिक चीजें थी, 9th 10th 11th 12th, मैक्सिमम 11th 12th का सारा चीज मिल रहा था। लेकिन अब आ चुके हैं ब्रांच पेपर। ये ब्रांच पेपर आपके कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए ब्रांच पेपर सबको बढ़िया से कंप्लीट करना है। आपको H2O स्टडी पे भी कोर्सेस लॉन्च कर दी जाएगी, सभी लोग इनरोल करके और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो फिर है हम, दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको क्या क्या चीजें कवर करने हैं सो देखिए। मैकेनिकल वाले लोग, आप लोग अपना अपना सब लोग शेयर कर दीजिएगा मैकेनिकल वाले लोगों के पास, ताकि मैकेनिकल वाले लोग अच्छे से देख पाए, समझ पाए। तो देखिए क्या क्या है। सो थर्ड सेमेस्टर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए। तो देखिए क्या क्या आप लोगों को भी टोटल पांच गो सब्जेक्ट पढ़ना है। पांच गो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में। अब देखिएगा पांच गो पढ़ना है क्या क्या चीजें हैं। तो पहला है वो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करें तो बेसिक सबसे पहला इंट्रोडक्शन, क्योंकि तुरंत नहीं हो पाएगा, तुरंत मैकेनिकल से संबंधित सब कुछ नहीं हो पाएगी, इसीलिए शुरुआत कर रहा है बेसिक से। तो सबसे पहला है आपको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है क्या, आगे क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या इसमें पूरा अच्छे से डिटेल से समझाएगा। तो फर्स्ट हमको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है, जो एक थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है? इसमें वही सेम जैसे पहले एग्जाम हुआ था होता था वैसे ही होगा। 70 नंबर का इसमें भी होगा, और 20 नंबर का वही क्लास टेस्ट कॉलेज में होने वाली है, और 10 नंबर का टीचर असेसमेंट। सारा मिला के वही 100 नंबर का आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है, ठीक है? तो पहला है आपका बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दूसरा है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मैक्सिमम समय लोहा लक्कड़ के साथ बिताना होगा, मैक्सिमम। जैसे सिविल वालों को मैक्सिमम समय कंस्ट्रक्शन, वही गिट्टी सीमेंट बालू ईंटा ये समय बिताना होता है, उसी समय मैकेनिकल वालों को मैक्सिमम समय लोहे के साथ गुजारना होगा, नट बोल्ट के साथ गुजारना होगा, और अलग अलग चीजों जो आप मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, अगर आपके घर में गाड़ी होगा, आपके घर में साइकिल होगी, फोर व्हीलर, वो सब में जितने भी पार्ट्स है वो सब पार्ट्स मैकेनिकल वालों का ही काम है, वही लोग टोटल काम करते हैं। सब डिजाइनिंग कैसे करना है, मान लेते एक बड़ी गाड़ियां हैं तो उस गाड़ी को कैसे डिजाइन करेंगे, नया नया आइडिया, नया नया देखते होंगे कि मार्केट में अलग अलग डिजाइनिंग का गाड़ी आ रही है, वो सब सारा काम यही लोगों का है, मैकेनिकल वालों का ही है, ठीक है? तो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है। इसके बाद आपको पढ़ना है एगो फ्लूड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। देखिए, एगो मैकेनिकल वालों का ये कोई फ्लूड मैकेनिक्स, ये जो फ्लूड मैकेनिक्स है, फ्लूड मैकेनिक्स में मैक्सिमम पानी से संबंधित है। जैसे कि मान लेते कहो पानी का कंस्ट्रक्शन करवाना, मतलब एगो पूरा आपको शहर मिल गया है, पूरा शहर में चारों तरफ क्या करना है ना कि पानी का पूरा जाल बिछाना है, तो वाटर सप्लाई करवाना है। तो
कैसे सप्लाई करवाइएगा, कितना पानी आपको देना, कने कने कैसे पाइप लगाइएगा, इधर कौन सा ज्वाइंट लगाइएगा, ये सब सारा चीज इसमें पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, पूरा डिटेल से पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स। हम आपको डिटेल से फ्लूइड मैकेनिक्स हम ही पढ़ाएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स खुद से हम आपको डिस्कशन करवाएंगे एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स है एक, है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, अभी बताया कि आप मैकेनिकल से हैं तो आपको उसी सब चीज से संबंधित पूरा डिटेल्स है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, अब ये देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग वन, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग टू, दो को पढ़ना होता है। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग वन पढ़ना है, अभी बेसिक है तो बेसिक आपको पढ़ना है। इसके बाद है थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग वन, ये भी थर्मल इंजीनियरिंग वन, थर्मल इंजीनियरिंग टू, ऐसे करके आएगा। ठीक है ना, तो थर्मल इंजीनियरिंग वन है आपका। तो ये है आपको पांच गो पेपर है, पांच गो पेपर में ध्यान रखिएगा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन, ये क्या है कि इसमें आपको न्यूमेरिकल पेपर है, इसमें न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें आपका थ्योरी है ज्यादा, फिर थर्मल इंजीनियरिंग में भी थ्योरी के साथ साथ इसमें भी न्यूमेरिकल है। और देखिए कोई भी पेपर पढ़िएगा न्यूमेरिकल तो रहेगा ही, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले जो थ्योरी पढ़ लेने के बाद ना न्यूमेरिकल वह आसान हो जाता है। ठीक है ना, चलिए ये हो गया। तो अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, डिटेल्स सबका वही है, 100-100 नंबर का, जैसे पीछे पढ़ते थे, जैसे पीछे एग्जाम होता था, सबका वही है 100-100 मार्क्स का। अब एक एक करके डिटेल से देखिए हम समझा देते हैं आपको क्या क्या चीजें। सो आइडिया ले लीजिएगा, आइडिया लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बताया ना युद्ध में जाने से पहले, ये नहीं कि चले गए हैं युद्ध में और लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए जैसे तैसे और पता चला हार के आ गए हैं, वैसे नहीं करना, शुरू में तरीका से चलिए सारा चीज हो जाएगा। तो पहला तरीका यही बोलता है कि आप सिलेबस बढ़िया से दिमाग में बैठाइए। पहला चीज देखिए बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें हैं, तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखिएगा क्या क्या चीजें है आपको, तो ये है, ये देखिए ये है थ्योरिटिकल पेपर आपका। ठीक है ना, तो थ्योरिटिकल पेपर में, थ्योरिटिकल पेपर को देखिएगा ध्यान से क्या क्या इसमें है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पहले भी आप लोग फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स का, थोड़ा बहुत कि कैसे हीट ट्रांसमिशन होता है, हीट का ट्रांसमिशन अलग अलग फॉर्मेट में होती है, वही चीज सबसे पहला इसमें है आपको। इसमें अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगा, जैसे एलिमेंट्री, फिर जीरोथ लॉ, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ द हीट इंजन, हीट इंजन के संबंधित पूरा डिटेल से कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट यूनिट वन किस चीज का, ये है यूनिट वन, ये है हम लोगों का बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूनिट वन। इसके बाद यूनिट टू है, यूनिट टू में देखिएगा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्म, मोड ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि हीट ट्रांसफर करने का अलग अलग जो मोड है, माध्यम है, उसके बारे में पूरा डिटेल से आपको सेकेंड में देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिएगा थर्ड यूनिट में है आपका स्ट्रीम टर्बाइन्स से संबंधित। ठीक है, थर्ड में आपको पूरा डिटेल से स्ट्रीम टर्बाइन से संबंधित है, प्लस में इंटरनल कंबस्चन ऑफ इंजन, जैसे देखिएगा कोई भी इंजन चलते है तो उसके इंटरनली कंबस्चन होता है, अंदर आग लगल रहता है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल से समझने के लिए आपको पूरा डिटेल से इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद है यूनिट फोर में है आपका मटेरियल एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कुछ भी चीज का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है मटेरियल, वो इसमें कितना कंपोजिशन मिला रहे हैं, कौन सा मटेरियल का क्या नाम है, क्योंकि अभी बेसिक रहेगी तो आपको ज्यादा समय मटेरियल का नाम याद करने में ही समय देना पड़ेगा, तो वही है बेसिक मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसका। ठीक है, जिसमें इंजीनियरिंग मटेरियल से संबंधित आएगा, जिसमें मेटल, नॉन मेटल, ये सब चीजें भी इसमें आने वाला है, एलॉय भी इसमें देखने को मिलेगा। इसी में देखिए गैस वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है, सोल्डरिंग है, ये सब चीजें जो बेसिक पीछे पढ़े हुए हैं कुछ कुछ फॉर्मेट फिजिक्स में, वही चीज इसमें। फिर यूनिट पांच में है मशीन टूल्स एंड द मशीनरी प्रोसेसिंग, तो मशीन टूल्स के बारे में है और फिर मशीनिंग प्रोसेस के बारे में है, ये है आपका यूनिट पांच में। इसी में आपको देखने को मिलेगा ड्रिल मशीन ऑपरेशंस, ग्राइंडर मशीन्स ऑपरेशंस, ये सब अलग अलग जो मशीनें होती है, अलग अलग मशीनें इसमें आपको देखने को मिलने वाला है।
तो ये हो गई इसमें यूनिट पांच को इसमें पढ़ना, पांच को यूनिट है किसमें, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ये थ्योरिटिकल पेपर है, इसमें न्यूमेरिकल कम देखने को मिलता है, ज्यादा इसमें आपको थ्योरी देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद देखिए आपको आगे क्या है, इसके बाद है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। ये है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा इसको देखिए, इसको भी डिटेल से बताते हैं। अब देखिएगा इसमें मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखिए क्या क्या चीजें हैं। मटेरियल साइंस, नाम से पता चल रहा है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो भी मटेरियल है उसके संबंधित, जैसे मैन्युफैक्चरिंग। मैकेनिकल में मैक्सिमम यही चीजें देखने को मिलती है मैक्सिमम, ठीक है। फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, हाँ ठीक है, फायर सेफ्टी का भी डिस्कशन करा देंगे। सर इंजीनियरिंग टफ है बता दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा तो इसमें देखिएगा इसमें क्या क्या है, इसमें आपको देखिएगा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है, बॉन्ड है, स्पेशल लैटिक्स है क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में, फिर बॉन्ड्स ऑफ द सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, इसके बाद फिर आपको फेज डायग्राम है। इसमें भी ये भी जो ये पूरा का पूरा ये थ्योरिटिकल पेपर है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये थ्योरिटिकल पेपर है आपको, इसमें न्यूमेरिकल बहुत कम देखने को मिलेगा। इसमें भी देखिएगा फेज डायग्राम, आयरन ओर के बारे में, जैसे अलग अलग ओर आप लोग पढ़े थे ना केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़े होंगे पूरा डिटेल से इसमें, तो वही उसी चीज के बारे में पूरा पढ़ना है इसमें। आयरन का अलग अलग टाइप्स ऑफ आयरन होता है, किसमें ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है, कैसे होता है, क्यों होता है, अब आपको कैसे और क्यों में घुसना है, क्योंकि अब आपको ब्रांच स्पेसिफाइड होते जा रहा है। हाँ केमिस्ट्री वही बोल रहे हैं केमिस्ट्री वाला, क्योंकि जो केमिस्ट्री में, अब ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री का सारा चीज, केमिस्ट्री में जो आपको पढ़ना था मटेरियल से संबंधित, जो इंजीनियरिंग मटेरियल वहां पे पढ़ाया गया था, मेटल नॉन मेटल एलवाई वो सब चीजें इसमें देखने को मिलेगा। फिर इसमें देखिएगा फेरस नॉन फेरस एलवाई का प्रॉपर्टीज क्या होता है, अब एलवाई भी होता है तो एलवाई का अलग अलग, जैसे कि एल्यूमिनियम का कौन कौन सा ओर है, कॉपर का कौन कौन सा ओर है, फिर कॉपर एलवाई है, ब्रॉन्ज है, कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, ये सब चीज के बारे में पूरा देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ये भी थ्योरिटिकल पूरा है, आप लोग इसके बारे में इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री में देख चुके हैं, वही चीज आपको यहाँ पे डिटेल में बताएगा बस। फिर इसके बाद है फेल्योर एनालिसिस टेस्टिंग ऑफ मटेरियल है, इसके बाद फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द फेल्योर एनालिसिस है, फिर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। देखिए डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का होता है ना, जैसे कुछ भी चीज आप बनाए हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी आप कोई भी टूल्स बनाया, उस टूल्स के अंदर कितना स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, कॉम्प्रेसिबिलिटी स्ट्रेंथ कितना है, बियरिंग स्ट्रेंथ कितना है, ये सब चीजें डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में आती है। एक होती है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हो जाएगा क्या कि मैग्नेट पार्टिकल्स, जितने भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स होती है उसका कितना स्ट्रेंथ है, लिक्विड टेस्ट हो जाएगी, फिर अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन हो जाएगा, ये सब आपको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में पढ़ना होगा। इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें ये आपको थ्योरिटिकल है। सर कौन सा पहले सिलेबस वाला डिस्कशन कर लेते हैं, इसके बाद फिर बताएंगे कौन कौन सा टॉपिक को ज्यादा आपको प्रीफर करना है, कौन कौन पर ज्यादा समय देना है। इसके बाद देखिएगा कोरोजन है, नॉन कोरोजन है, कोरोजन सरफेस वही संक्षारण वाला, किस में जंग लग सकता है, नहीं जंग लग सकता है, एनवायरनमेंट के साथ संपर्क में रखेंगे नहीं रखेंगे, मटेरियल को कैसे मेरे को सिक्योर रखना है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स है। फिर सरफेस इंजीनियरिंग प्रोसेस है, फिर सरफेस इंजीनियरिंग के बाद आपको सरफेस एनालाइज है इसमें, ठीक है। तो ये है आपका यूनिट पांच है, ये हो गया यूनिट पांच। केमिस्ट्री है, ये देखिए ये जो आपका मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है ना, ये मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं सेम यही टॉपिक मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, वहां पे टॉपिक पढ़े थे और यहाँ पे पूरा एगो आपको सब्जेक्ट बना के दे दिया है, ठीक है ना, एगो आपको यहाँ सब्जेक्ट बना के दे दिया है, ठीक तो वही है ये। अब इसके बाद देखिए और आपको इसमें और क्या क्या चीजें, इसके बाद देखिएगा थर्ड में देखिएगा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड द हाइड्रोलिक मशीनरी। फ्लूइड मैकेनिक्स इसमें पानी से संबंधित पूरा डिटेल्स इसमें पढ़ना, फ्लूइड मतलब वाटर,
आप इसके बारे में पहले पढ़े होंगे, जो सरफेस टेंशन पढ़े थे ना, उसमें सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इसमें सारा चीज मिलेगा। सरफेस टेंशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कैसे कैसे काम करती है, पूरा टेम्परेचर बढ़ाएंगे टेम्परेचर घटाएंगे, पूरा इसमें डिटेल से आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें आपको सबसे पहला देखने को मिलेगा प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड, फ्लूड का यानी लिक्विड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसमें देखने को बेसिक चीज उसका डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, ये न्यूमेरिकल पेपर है, इसमें न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। हाँ वही स्ट्रीम लाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, टर्मिनल वेलोसिटी, सब कुछ इसमें देखने को मिलने वाला है आपको। देखिए विस्कोसिटी है, काइनेमैटिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, ये सब सारा चीज आप पढ़ चुके हैं पहले, वही चीज इसमें देखने को मिलेगा। फ्लूड प्रेशर कैसे मेजरमेंट करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ द टोटल प्रेशर, फिर आपको वहां पे जो जो थ्योरम भी पढ़ाए होंगे वो सब थ्योरम भी इसमें देखने को मिलेगा। फिर आप देखिएगा फ्लूड फ्लो, टाइप ऑफ फ्लूड फ्लो, कंटिन्यूटी इक्वेशन भी पढ़ाया पढ़ाया गया था पहले, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन भी आप लोग पढ़े होंगे। बर्नौली थ्योरम भी आपको डिटेल से फिजिक्स में पढ़ाया गया था, अगर आप H2 स्टडी का लेक्चर देखे होंगे तो वहां पे ये सब चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेशन ऑफ वेंचुरी मीटर है, ऑर्फिस मीटर है, पिटोट ट्यूब है, ये सब चीजें, फ्लो थ्रू, देखिए लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ये सब चीजें आपको पढ़ाया गया था, वही चीज वा इसमें देखने को मिलने वाला है पूरा। मतलब ये चीज आप पहले डिस्कशन कर चुके हैं, पहले आप पढ़े हुए हैं, तो आपको इसको पढ़ने में ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाला है। ठीक है सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हाँ सबका बता देंगे, अब धीरे धीरे एक एक करके देखिए। इवेंट भी हम लगा दिए हैं, आप इवेंट के अनुसार देख लीजिएगा ना कब आपका टाइमिंग है। सो अब देखिएगा आपके पास है इम्पैक्ट ऑफ जेट, इम्पैक्ट ऑफ जेट फिक्स, देखिए जेट कहने का मतलब ना, नहीं देखते कि पानी वो जो एक पाइपवा से गड़िया धोते हैं ना, देखते कितना प्रेशर से पानी जाता है, वही जेट है। तो उसी जेट के बारे में पूरा डिटेल से यहाँ पे पढ़ना है, कैसे कैसे वो काम करता है, कैसे कम और मतलब पूरा देखते उस पानी में कितना स्पीड रहता है, उस पानी में बहुत प्रेशर रहता है, तो वही जेट के बारे में पूरा डिटेल से इसमें है। फिर इसके बाद देखिएगा हाइड्रोलिक्स टर्बाइन्स के बारे में, हाइड्रोलिक के बारे में पूरा डिटेल से आपको पढ़ना है इसमें, हाइड्रोलिक से। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बारे में, फिर फीचर्स ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन है, फिर आपको ये सब पूरा इसमें देखने को मिलेगा, और ये सब आप लोग पढ़े हैं पहले भी। और इसके बाद देखिएगा एक है यूनिट फाइव है, यूनिट फाइव में सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसको पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि इसमें सब कुछ नया नहीं है, इसमें आप पहले भी कुछ कुछ पढ़े हैं, वही चीज है। ठीक है ना, अब इसमें देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एंड एप्लीकेशन है, इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप का, सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रिंसिपल, उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसे कैसे वर्क करता है, ये सब डिटेल्स है इसमें आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर इसमें ओवरऑल इफिशियंसी, न्यूमेरिकल्स ऑफ द कैलकुलेशन, देखिए जो आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ कुछ आप लोग पढ़े होंगे इफिशियंसी, ये सब निकालने के लिए, तो यहाँ पे जो जो भी मशीन होगी ना, वो मशीन का इफिशियंसी निकालने के लिए आपको यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो MA और वेलोसिटी रेशियो, वहां पे एक टॉपिक पढ़ाया गया था ना, एक स्पेशल मशीने था, मशीन से संबंधित पूरा डिटेल से वो यहाँ पे इसमें कुछ कुछ जरूरत पड़ेगी। रेसिप्रोकल पंप है, उसका कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग प्रिंसिपल है, फिर रेसिप्रोकल पंप का कॉन्सेप्ट है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल्स है, मैनोमीटर हेड्स है, तो ये मशीन है, मशीन का ही अलग अलग टाइप्स है, वही चीज में पूरा डिटेल से। तो ये है हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स में भी पांच गो, हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं, या फ्लूड मैकेनिक्स भी इसको बोल सकते हैं, फ्लूड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक मशीनरी। चलिए ये हो गया, चलिए ये हो गया है आपको। इसमें आपको ये थ्योरिटिकल और थ्योरी के साथ साथ इसमें न्यूमेरिकल मिलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल मिलेगा भी ना, तो ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम कॉन्सेप्ट भरल पड़ा। आप अगर फार्मूला याद रखिएगा ना, क्योंकि इसमें फार्मूला मिलेगा आपको, फार्मूला याद रखिएगा ना, तो न्यूमेरिकल बनाने में ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाला है। फार्मूला बेसिस न्यूमेरिकल रहेगी, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। देखिए एक है फिर है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग वन, ये भी आपको मैक्सिमम और ज्यादा इसमें आपको थ्योरी है, इस बार आपको ज्यादा थ्योरी है, रटने वाला ज्यादा सब्जेक्ट है, समझने वाला ज्यादा सब्जेक्ट है, कैलकुलेशन वाला कम मिलेगा इस बार आपको ना।
इसमें देखिए तो क्या क्या चीजें कंप्यूटर साइंस का। हाँ ठीक है, करवाएंगे आपको कंप्यूटर साइंस वालों का भी। इसमें देखिएगा कटिंग, इसमें क्या क्या कटिंग फ्लूइड्स, लुब्रिकेंट्स, टाइप ऑफ कटिंग फ्लूइड्स, अलग अलग, ये जो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े थे ना लुब्रिकेंट्स है सब के बारे में, वो चीज वहां यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर लेथ ऑपरेशन, लेथ मशीन एक होती है, वो मशीन किस तरह से काम करता है ना, वो सब पूरा चीजें है इसमें। लाइट ड्यूटी ऑपरेशंस एंड द टूल टर्निंग पार्ट्स ऑफ, ये सब पूरा डिटेल से। क्या सर मैथ 3 देना चाहिए था? हाँ मैथ 3 देना चाहिए, नहीं मैथ 3 तो इसमें नहीं है। फिर इसमें देखिएगा ड्रिलिंग मशीन से संबंधित पूरा डिटेल से आपको बता यहाँ पे पढ़ाएगा। फिर ब्रॉचिंग मशीन्स के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रॉचिंग मशीन्स, टाइप ऑफ ब्रॉचिंग मशीन्स, हॉरिजॉन्टल टाइप, वर्टिकल टाइप, फिर ड्यूप्लेक्स, फिर सिंगल रैम, फिर पुली, पुल अप, पुल डाउन, पुश डाउन, एलिमेंट्स ऑफ द ब्रॉच टूल, ये सब औजार है। औजार के बारे में पूरा डिटेल से, क्योंकि आप मशीनरी से संबंधित आपको डिटेल से पढ़वा रहा है, तो टोटल काम अब मशीनरी वाला ही आपको काम करना होगा। अगर देखिए आपको थोड़ा सा और बताते, ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जितना भी मशीनरी से संबंधित है ना, ये आपको और बेहतरीन हो, मतलब और बढ़िया आसान कब होगा ना, आप एक दिन जहां पे गाड़ी बनता है ना, जो बाइक ये सब बनाता है, उन्हें देखते हैं बाहर लिख के रखता है ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल ऐसे करके लिखता है और गाड़ी बनाता है वहां पे, चाहे ट्रक हो चाहे फिर बाइक हो, या नहीं तो लिखा रहता है इंजीनियरिंग वर्कशॉप भी लिखा रहता है वहां पे। एक बार आप वहां जाके दिन भर बैठ जाइएगा, ठीक है ना, एक बार आप वहां जाकर बैठ जाएगा, आपको बहुत कुछ टूल्स के बारे में वहां से जानकारी, बहुत कुछ टूल्स के बारे में। और नहीं तो जब अचानक से आप थ्योरी पढ़ना ही शुरू करिएगा ना, तो फिर दिमाग में फिर नहीं घुसेगा, अब पता नहीं चलेगा कि कौन कैसन टूल्स दिखता है, सो कौन कैसन औजार है। सो इसीलिए बोल रहे हैं आप एक बार वहां पे जाइए, क्योंकि वो पूरा गाड़ी का पार्ट्स खोलता है, गाड़ी का पार्ट्स खोलेगा तो गाड़ी के अंदर बहुत सारा पार्ट्स होता है, वो सब आपके दिमाग में एक बार बैठ गया ना, बस आप थ्योरी पढ़िएगा तो आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो और इसमें देखिएगा फिर आपको वेल्डिंग से संबंधित पूरा डिटेल से पढ़ना है। वेल्डिंग में भी अलग अलग चीजें होती है, क्लासिफिकेशन देखते होंगे, वेल्डिंग दुकान में गैस वेल्डिंग होता है, टाइप ऑफ वेल्डिंग, फ्लेम, आर्क्स, वेल्डिंग प्रिंसिपल, उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट्स होती है, ये सब चीजें पूरा डिटेल से है। फिर मिलिंग, इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ द मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल, वर्टिकल, कंस्ट्रक्शन डिटेल, ये सब पूरा देखिए। वेल्डिंग है, मिलिंग है, और फिर एक कटर है, तीन वो चीज है यहाँ पे। कटर के बारे में भी पूरा डिटेल से यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। जैसे अलग अलग देखते हैं ना, पेड़ काटने के लिए अलग टूल्स रहता है, कोई लोहा काटने के लिए अलग टूल्स रहता है, तो वही चीज वहाँ है। वेल्डिंग से संबंधित पढ़ना, मिलिंग से संबंधित पढ़ना, और फिर कटर से संबंधित। इसके बाद देखिए गियर बॉक्स के बारे में पूरा पढ़ना है, गियर मैकिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर, जो गाड़ी में होता है ना, एक गियर लगा रहे हैं, दो गियर लगा रहे हैं, तीन गियर लगा रहे हैं, वो सब चीजें वर्कशॉप में किया है सर। हाँ वर्कशॉप में हो, वर्कशॉप में आपको करवाया गया होगा, या नहीं तो आप देख लीजिएगा ना, सबसे बढ़िया वहीं पे है। ठीक है ना, शॉप में था सर, हाँ हाँ शॉप में आपको वही, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि आप एक बार मतलब एक आधो 2 घंटा हुआ गाड़ी जहां बनाता है वहां बैठ जाइए ना, उसके बाद फिर आपको सारा आइडिया लग जाएगा, बहुत आइडिया लग जाता है वहां पे। तो वही है, गियर बॉक्स के बारे में है, गियर मैन्युफैक्चरिंग है, फिर बाइक कास्टिंग है, फिर गियर हॉबीज है, फिर प्रेस वर्किंग है, फिर देखिएगा ग्राइंडिंग एंड द फिनिशिंग प्रोसेस है। अब देखिए ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस में क्या होता है कि ये लास्ट स्टेप हो जाता है, जैसे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप हो गया है, बना दिए है, अब उसको थोड़ा सा साफ सुथरा करना है, उसका सरफेस को चिकना करना है, तो वो वाला है ये ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस। सर मैथ नहीं पढ़ना? नहीं मैथ नहीं पढ़ना, मैथ कहाँ से पढ़िएगा, खत्म हो गया वो मैथ ये सब का। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, स्टैंडर्ड्स मार्किंग सिस्टम है, ग्राइंडिंग मशीन है, फिर हॉट डिपिंग है, फिर ऑर्गेनिक कोटिंग है, ये सब पूरा डिटेल्स आपको, थ्योरी ही है इसमें भी आपको। मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर में मैक्सिमम थ्योरी बस ये वो जो हाइड्रोलिक्स वाला बताया ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल मिलने वाला है, न्यूमेरिकल उससे मिलता है, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला उसमें है।
अब एक नेक्स्ट देखिएगा एक थर्मल इंजीनियरिंग वन है, अभी देखिए थर्मल इंजीनियरिंग वन ये सब बेसिक चीजें पढ़वा रहा है, अभी आपको फिर इसको टू भी पढ़वाएगा, इसीलिए ये सब चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये चीजों को ध्यान रखिएगा आप। सर मैथ थ्री की सेम है, मैथ थ्री नहीं, आप लोगों को तो मैथ थ्री नहीं पढ़नी है। अब देखिएगा इसमें क्या क्या सोर्सेस ऑफ इनर्जी, इनर्जी का कौन कौन सा सोर्सेस है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनर्जी सोर्सेस और क्लासिफिकेशन ऑफ इनर्जी सोर्सेस है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ इनर्जी है, फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ इनर्जी फॉसिल फ्यूल है, फिर सीएनजी है, एलपीजी है, ये सब पूरा चीजें है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ये थर्मोडायनेमिक्स ध्यान रखिएगा, थर्मल इंजीनियरिंग है ना, ये थर्मल इंजीनियरिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद देखिएगा वाइंडिंग इनर्जी है, इसके बाद इंटरनल कंबस्टन इंजन, जो ही इंजन के अंदर जो आग लगा रहता है ना, वही इंटरनल कंबस्टन है, ठीक है। फिर एजम्पशंस मैड, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंटीग्रेटेड इंजन है, फिर नीट स्केच है उसका, डायग्राम भी आपको इसमें मशीनरी जो इंटरनल मशीनरी पार्ट्स होता है उसका डायग्राम का भी इसमें जरूरत पड़ेगा। फिर इंजन सिस्टम है, आईसी इंजन सिस्टम है, फ्यूल सिस्टम और पेट्रोल इंजन है, प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑपरेशंस है, ये सब है। फिर कूलिंग सिस्टम है, देखते हैं कि मशीन में, भाई मशीन लगाए मशीन में तेल जल रहा है, आग लगल अंदर तो गर्म होगा, तो गर्म होगा तो कूलिंग के लिए भी तो जरूरी है ना, तो कूलिंग सिस्टम भी उसके अंदर लगाया हुआ रहता है। इग्निशन सिस्टम है, फिर टाइप ऑफ द लुब्रिकेंट सिस्टम, लुब्रिकेंट का भी अलग अलग टाइप आप पढ़े थे पहले भी, अब और डिटेल से आपको पढ़ना है, पूरा डिटेल से आपको देखने को मिलेगा। फिर परफॉर्म ऑफ द आईसी इंजन्स, ब्रेक पावर, इंडिकेटर पावर, फ्रिक्शनल पावर, ब्रेक एंड द इंडिकेटर्स, मीन इफिशियंट प्रेशर, ये सब चीजें हैं। फिर परफॉर्मेंस टेस्ट है आपको, फिर एआई कंप्रेसर से एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर का, एयर कंप्रेसर किस तरह से फंक्शन करता है, एयर कंप्रेसर है क्या, ठीक है ना। फिर यूजेज ऑफ द कंप्रेस्ड एयर है, टाइप ऑफ द एयर कंप्रेसर है, ये सब अलग अलग है। फिर एगो पीवी डायग्राम चार्ट्स है, फिर एगो रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, फिर रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर्स के बारे में यानी एसी, ये सब के बारे में पूरा पढ़ना है, एसी कैसे कैसे बनता है ना, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित पूरा डिटेल से आपको एसी के बारे में इसमें पढ़वाएगा। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए ना, अब इसके बाद खत्म हो गया, अगर ओवरऑल देखा जाए ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो थर्ड सेमेस्टर में मैक्सिमम ओवरऑल मिला के यही देखा जाएगा कि मैक्सिमम थ्योरी पेपर ही है आपका, मैक्सिमम थ्योरी पेपर है, ठीक है। एक वो पेपर में आपको न्यूमेरिकल ज्यादातर देखने को मिलेगा और बाद बाकी में छुटकल फुटकल है, न्यूमेरिकल का नामो निशान नहीं है, ठीक है ना। आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, बाद बाकी में सब थ्योरिटिकल है। देखिए हम आपको बताते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें से कौन कौन सा पेपर काम बहुत ज्यादा देने वाला है, बहुत ज्यादा दो देने वाला, बहुत। देखिए बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मैक्सिमम अगर आप कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन पेपर देखिएगा ना, तो उसमें मैक्सिमम थ्योरी घुस आता है और एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन उठाएगा, ऐसा उठाता है ना कि लोग इग्नोर कर देते हैं, स्टूडेंट लोग उसको खासकर इग्नोर कर देता है, ये वाला पूछेगा और वही वाला पूछ देता है, ठीक है। तो बेसिक बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एकदम बेसिक है, इसको आपको क्या करना है कि एकदम बढ़िया से थ्योरिटिकल है, बढ़िया से एकदम दिमाग में बैठाइएगा, बढ़िया से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित सारा का सारा टूल्स औजार यहीं से पता चलेगा। फिर मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, देखिए इसमें फिर थर्मल इंजीनियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। तो थर्मल इंजीनियरिंग एक पूरा डिटेल्स आपको ऐसे तो पढ़ना पड़ेगा सब है, लेकिन थोड़ा ज्यादा जो मैकेनिकल के लिए ना, ये बहुत काम का है, ये भी काम का, इसमें चार गो आपको काम का, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है ना, ये भी आपको काम देगी आगे। फिर मटेरियल साइंस, ये सब से संबंधित क्या होगा ना, एक आगे आपको जरूरत पड़ेगा, जैसे थर्ड के बाद फोर्थ में जाइएगा, फोर्थ के बाद फिफ्थ में, तो वहां पे ये काम करेगा। ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसका फिर आगे कम वेटेज हो जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स का। फ्लूइड मैकेनिक्स बस बेसिक नॉलेज आपको रखेगा, लेकिन हाँ मैकेनिकल से संबंधित ही है उसमें, इसका वेटेज एग्जाम में न्यूमेरिकल के लिए ज्यादा देता है। बाद बाकी चार गो पेपर आपको बहुत बढ़िया, चारों पेपर थ्योरी है, एगो खाली बस फ्लूइड मैकेनिक्स आपको न्यूमेरिकल पेपर है, यही है पूरा।
आपका सिलेबस 5 गो पेपर है, ठीक है ना। सर कौन सा सब्जेक्ट टफ है बता दीजिएगा। नहीं वैसे ये वैसे नहीं बताया जा सकता, हम जिसको टफ बोलेंगे कोई को बोलेगा सर ये तो बड़ा आसान था, कोई को बोलेगा कि बाप रे बाप इतना टफ है आप सर उसको आसान कर रहे। ये पढ़ाई पे डिपेंड करता है, आप उसको कैसे कैप्चर कर रहे हैं, आप उस पर कितना कमांड बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ये टफ। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो जो चीजें थी वो हम आपको डिटेल से बता दिए, ठीक है। तो बस तो पूरा डिटेल से हम आपको समझा दिए हैं। अब आप लोग का जो थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्सेस है वो आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर का कोर्सेस H2O स्टडी पे भी लॉन्च होगी। तो जब लॉन्च हो जाएगी सभी लोग H2O स्टडी से भी अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप अपना कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों का जो फी से संबंधित है, फी से संबंधित भी बता दिए कि आप लोगों को 1199 रुपये का फी है, जिसमें आपको सारा चीज अवेलेबल करवा दिया जाएगा। बुक का पीडीएफ फॉर्मेट, नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा, डाउट के लिए लाइव सेशन लगा दी जाएगी, और H2O स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्टोर में जाइएगा, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो सिलेबस उस सिलेबस में जो फ्लूड मैकेनिक्स है, फ्लूड मैकेनिक्स मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, और उसके अलावा बाद बाकी और सर लोग सब पढ़ाएंगे। और जाइएगा तो वहां पे आपको लेक्चर भी मिल जाएगा डेमो टाइप का, तो सभी लोग लेक्चर देखिएगा तो आपको खुद ही आइडिया लगेगा कि किस तरह से हो रही है सो, ठीक है। तो बस आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और किसी तरह का और कुछ भी समस्या हो गई आपको तो आप नीचे कमेंट करिएगा, या आपके पास हेल्पलाइन नंबर भी होगा H2O स्टडी का, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक है। तो फिर मुलाकात करते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।